थोड़ा सा प्लीज सीटें खाली रहेंगी। आप माननीय मंत्री जी कुछ ही क्षणों में आ रहे हैं हमारे बीच में। मेरा आग्रह है कि जो खड़े हैं वो ऊपर चले जाएं। रिसर्जेंट राजस्थान दोहल कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ केंद्रीय सूचना प्रधान राज्य मंत्री खान राघव चंद्रा अध्यक्ष एनएचएल आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे साहिबा का भी स्वागत करेंगे मंत्री महोदय और इसके पश्चात कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ आज के समारोह है मेरे हम वतन की मुट्ठी में आसमां है। 100 मिलियों की स्थापित में स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा इन विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हें आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है, जैसे आईसीटी लैब, डॉक्टर सेटकॉम ऑनलाइन, MIS डिजिटल आदि।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त एवं अंग्रेजी माध्यम से संचालित इन विद्यालयों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की भावना के अनुरूप इन विद्यालयों में 55% स्थान बालिकाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। वर्तमान में राजस्थान में 71/2015 संबंधित हर जानकारी इस मोबाइल ऐप में मौजूद है। समिट की सभी जानकारी इस पे होगी। यह एप्लीकेशन एंड्रॉइड एंड विंडोज दोनों प्लेटफॉर्म पर लाइव है और शीघ्र ही एप्पल ऐप स्टोर पर भी उपलब्ध होगी। Mr. Raghav Chandra, Chairman of the National NHAI, Mr. Rajan, Chief Secretary, Government of Rajasthan, and Mr. D.B. Gupta, Principal Secretary, PWD, Government of Rajasthan. Two ministers, Noah from the Government of Rajasthan, Mr. Vasudev Devnani, and Mr. Gajendra Singh Ji, Khemsar, and their respective secretaries, Mrs. Veenu Gupta, and Mr. Naresh Kangwar. Mere sab colleagues jo yahan baithe hue hain, ministerial colleagues and pure Rajasthan se aaye hue hamare sab karyakarta band. Aaj mere liye bahut hi khushi ka din hai, bahut hi acha din hai, mahatvapurna din hai, kyunki aaj Gadkari ji hum sab ke beech mein aaye aur ordinary divas nahi tha. बस में बैठ के पूरे दिल्ली जयपुर हाईवे का निरीक्षण, प्रेस से वार्ता के अंदर ये प्रॉमिस कि दिसंबर के महीने में हम इसको पूरा करेंगे और हमारा आपको दोनों वहाँ सबके बीच में जाना होगा। वहाँ से झालावाड़ के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग के अंदर पूरे के पूरे मैंने जो हम लोगों ने इनके साथ बात की थी वो सब चीज़ों का वहाँ की घोषणा और घोषणा ही नहीं, उन्होंने अपने भाषण में ये भी कह दिया कि इनको टाइम पे और अच्छी तरह से क्वालिटी रोड्स हम पूरा करने की कोशिश करेंगे और वहाँ से फिर कोटा के अंदर भी वहाँ की और वहाँ कोटा के अंदर मेरे को उन्होंने ये कहा कि आप लोग वाकई में काम करना जानते नहीं हो, आप मेरे से और मांगते थोड़ा सा, मैं उसको और देने की मैंने पूरा करने की कोशिश करता। अब मुझे मालूम है कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर लोग क्या सोचते होंगे क्योंकि आदत किसी की नहीं होती होगी इतना फास्ट चलने की, परंतु ये एक ऐसे मंत्री हैं और जिनको आपने बहुत करीब से देखा है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और इसीलिए जब इन्होंने मेरे को कहा कुछ करो वहां तो मैंने 3-4 और अभी आप देखो कितने बड़े बड़े रोड्स हैं, चारसू भागी दूदू सांबर नावा नारायणपुरा मकराना खानपुर छोटा नहीं है और इसकी है 433 किलोमीटर। तो दूसरा मंदसौर प्रतापगढ़ धरियावाद सलंबर डूंगरपुर बिछीवाड़ा। अब फिर उन्होंने कहा कि यहाँ ये अभी उज्जैन में अपना कुंभ वगैरह हो रहा है, लोग वहां जाना पसंद करते हैं, इन्हीं रोड से निकल के जाएंगे तो राजस्थान की क्या स्थिति होगी, तो उज्जैन झालावाड़ पाटन बारा मांगरो इटावा गैता मखीदा इंदरगढ़ उनियारा फिर नागौर जायल डीडवाना सालासर लक्ष्मणगढ़ मधुरगढ़ झुंझुनू पुराने आज के एक दिन के अंदर करीबन 1100 किलोमीटर के रोड्स, तो ये उन्होंने हमको घोषणा कर दी है। कोटा वालों ने मेरे को ये कहा कि आप ये हमारा बाईपास का एक ही टुकड़ा बाकी बचता है, अगर इसको आप कर दोगे तो कितना अच्छा रहेगा। उन्होंने सोचा कि हम इनको फिर देंगे फिर ये वहां ले जाएंगे फिर हमें खबर करेंगे हमें बुलाएंगे, तो हमने 3 उनको लिख के दी। नॉर्दर्न बाईपास कोटा नंबर 2 कोटा सुल्तानपुर श्योपुर टू ग्वालियर छोटा नहीं है, कोटा सांगवर चबड़ा कवाई धनोदा की गुना
हमने उनको दिए कागज ही सोच करके भी इसके बारे में, फिर वो कहेंगे कि आप पता करेंगे कि किसी को भेजेंगे, और मैं तुरंत ही उसको तुरंत ही घोषणा कर दी। और मैंने तो ये कहा कि मैं ये और बातें तो मैं उसको और भी कर देता। मुझे विश्वास है कि ये सब जो उन्होंने हमारे सामने घोषणा भी की है और जिनको उन्होंने पहले भी किए थे, कहा था हम लोगों को, वो सब काम होने वाले हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि इन्होंने हमारे राजस्थान के अंदर वो स्पीड लाई है। और जैसे वो कह रहे थे, जैसे यूनुस ने कहा कि महाराष्ट्र में उनका तो मेन स्टेट है, इसलिए महाराष्ट्र के तो उन्होंने बहुत सारा काम किया है, मैं तो उसके बाद राजस्थान से उनका बहुत बड़ा प्रेम है। मैंने कहा कि ऐसा सभी कह रहे होंगे जिसके साथ वो जाते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड तो इतनी है, जहां भी वो जाएंगे ऐसी स्पीड से काम करेंगे तो वो तो स्टेट वैसे ही मुरीद हो जाएगा जैसे आज राजस्थान का। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ नितिन जी आपको कि आपने राजस्थान का सोचते हुए और मुझे ये भी कहा है कि और अगर आपके सामने बातें आती हैं और अगर आपको और कोई रोड का काम करवाना है, अगर आपको टूरिज्म के सेक्टर में लेना है, अगर आपको और कोई स्टेट्स के साथ रोड को जोड़ना है, अगर आपको कोई ट्राइबल एरियाज के अंदर रोड्स का वो देखना है, अगर कहीं ऐसे हमारे साथ जुड़ता हुआ रोड है आपका, तो उसके बारे में हमें जरूर कहिए और मैं जहां तक हो सकता हूं आपकी मदद करने में पूरी तरह से आगे आऊंगा। आज 25,500 करोड़ के MOU यहां साइन किए हैं रिसर्च इन राजस्थान के आगे, परंतु उसमें जो आज उन्होंने MOU में जो थे और जो MOU में नहीं थे करीबन 15,000 करोड़ रुपए के और उसमें जोड़े हुए, तो मैं समझती हूँ कि करीबन 40,500 करोड़ रुपए का काम आज इन MOUs के द्वारा होने जा रहा है। मैं आप सब की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ऐसे जितनी फास्ट उन्होंने काम किया है उसका फायदा अपने को राजस्थान के अंदर मिलेगा। मैं आप लोग सबको ये कह दूं, क्योंकि एक आदत है सरकार में आते ही सबको लगता है कि मालूम नहीं हम लोग तुरंत ही कायापलट कर रहे हैं। मैं सब लोगों को ये याद दिलाया कि करीबन 15-16 महीने तो अपन लोगों ने सिर्फ चुनाव के अंदर ही निकाले, एक के बाद एक चुनाव उसकी आचार संहिता उसके सामने ये करते करते अगस्त महीने तक तो अपन ने निकाला। अगस्त महीने खत्म होते ही जो भी काम हम लोगों ने किए थे, जो पॉलिसी के काम थे, उनको सबको पूरा करने के बाद अब रोल आउट करना शुरू किया है। मैं आप लोग सबको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के बोझ को जितना बोझ पिछली सरकार छोड़ के गई थी, 2,00,000 करोड़ से ऊपर तो कर्जा और खाली बिजली विभाग के ऊपर 80,000 करोड़ का कर्जा, उन सब चीजों को मिटाना आसान नहीं था, परंतु हम लोगों ने मेहनत की, सब मंत्री लगे, सब अफसर लगे, और मैं आज आपको ये कहना चाहती हूँ कि अब रास्ता थोड़ा साफ हुआ है और हम लोग अब चल पड़े हैं। उसमें हाथ मिलाने के लिए आप हमारे पास आए, हमारे साथ आप यहाँ आए और आपने हमारी ये मदद की, उसको कभी भी हम लोग नहीं भूल सकेंगे, और इसके लिए दिल से नितिन जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आज दिन भर मैं इनके साथ हूँ, इसलिए मैंने इनकी बातें भी सुनी है और वो भी आपके सामने आएंगे तो आपके सामने बहुत सारी बातें बताएंगे, मैं उसके बारे में अभी बोलना भी नहीं चाहती हूँ, पर इतने अच्छे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, मैंने एक ही लीक को छोड़ के, लीक से हटके अलग अलग किस्म की सोच, और उस सोच के बारे में हम लोगों को ध्यान दिलाना, मैं समझती हूँ कि इनकी कुछ सोच और आइडियाज भी अगर हम लोग ले लेते हैं तो उसका फायदा राजस्थान को मिलेगा। इसके साथ साथ आज एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए एक और चीज है जिसके बारे में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं रुकना नहीं चाहती हूँ, और वो ये है कि शिक्षा की दृष्टि से 186 ब्लॉक्स जो पिछड़े हुए थे, केंद्रीय विद्यालयों के चीफ सेक्रेटरी CS राजन जी, मेरे सहयोगी और NHA के चेयरमैन राघव चंद्र जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी PWD के श्री DB गुप्ता जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले मैं वसुंधरा जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान को राजस्थान में उसकी योजना बनाई और उसके क्रियान्वयन के लिए पूरी सरकार पूरी ताकत से इसके पीछे लगी है। हमारे देश में
विशेष रूप से सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो गरीबी की है, भुखमरी की है। और गरीबी और भुखमरी की समस्या इसलिए है कि हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, रोजगार उपलब्ध नहीं है। रोजगार का अर्थ नौकरी नहीं होती। मैं बहुत बार युवाओं को कहता हूं कि नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। और हिंदुस्तान में इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी ताकत है कि अगर हम उसका उपयोग करेंगे तो मेरा विश्वास है कि हम देश की गरीबी भुखमरी दूर कर सकते हैं। मैं बहुत बार कहता हूं कि वी आर रिच नेशन विद ए पुअर पॉपुलेशन। हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस एंड विजनलेस लीडरशिप। बहुत बार ये एक फिलोसोफर ने सही रूप से कहा है कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैनॉट डोनेट विजन। विजन फॉर डेवलपमेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मैं उस समय इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे गया था। तो उस समय मलेशिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर महाथिर थे और उनके ऑफिस में गए। उनसे मिलने के बाद हमको एक रूम में बिठाकर उन्होंने कहा कि मलेशिया का विजन डॉक्यूमेंट आपको दिखा दें। और तुरंत स्क्रीन पर मलेशिया विजन डॉक्यूमेंट 2025 करके एक पूरा प्रेजेंटेशन हमारे सामने आया। देखो, ये तो दुनिया ऐसी है कि कुछ लोगों की विजन यही है कि मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या पता कहाँ मेरी मंजिल, मैं तो चला जिधर चले रास्ता। पर जिनको निश्चित दिशा करके जाना है उनको अपनी दिशा तय करनी हो, और दिशा तय करते समय अपनी जो उद्दिष्ट है, टारगेट्स है, वो निश्चित करनी हो। और हमारे राज्य में किस प्रकार से हम बेरोजगारों को रोजगार दें, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनके हम रोजगार के नए साधन वहां कैसे निर्माण करें। और पूरी तरह से जात, पंथ, धर्म, भाषा और लैंग्वेज इसका विचार न करते हुए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट न करते हुए, सबका साथ और सबका विकास, इसको लेकर हम सबका विकास कैसे कर सकें। एक बात जरूर है, 47 से लेकर आज तक 68 साल में जिन जिन बातों को लेकर हम चल रहे थे वो समय के कसौटी पर पूरी तरह से पराजित हुई है। जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट मॉडल हमने चुना था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, वो लगभग पूरी तरह से फेल हुआ है। यहाँ तो फेल हुआ, जो रशिया में फेल हुआ है, क्योंकि रशिया में आज ऐसी स्थिति है कि आज उनकी विचारधारा कम्युनिस्ट विचारधारा के आधार पर सरकार नहीं चल रही है। चाइना में जो परिस्थिति है, लाल झंडा है पर कम्युनिस्ट विचारधारा को छोड़कर लिबरल इकोनॉमी को उन्होंने स्वीकार किया है। और एक महीने के पहले चाइना ने डिक्लेयर किया कि डिफेंस के लिए 100% प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस के लिए खोल दिया है। आप समझ लीजिए कितना बड़ा ये यू टर्न है। और जो सोशलिस्टिक देश थे उनके यहां भी लगभग यही स्थितियां हैं। तीसरी जो विचारधारा जो थी, जो अमेरिका के साथ जुड़ी थी, जो लिबरल इकोनॉमी की थी, उस विचारधारा को भी अमेरिका में प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। तो विश्व में स्वाभाविक रूप से इस विषय पर चर्चा चल रही है कि आने वाले समय में विश्व को दिशा देने वाली विचारधारा कौन सी है और कौन सी विजन है। और मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से हमारी विशेषता रही है कि राष्ट्रवाद, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट एंड अंत्योदय, क्योंकि राष्ट्र के सर्वांगीण उन्नति और विकास की कटिबद्धता जब तक हमारे मन में नहीं होगी तब तक कोई राष्ट्र आगे नहीं जा सकता। और राष्ट्र को और राज्य को अगर आगे ले जाना है तो निश्चित रूप से गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास, इसकी कटिबद्धता चाहिए। और सुशासन और विकास करना है
तो चार बातों के बारे में प्रधानमंत्री जी भी लगातार जिक्र करते हैं, और वो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी एंड ई गवर्नेंस। और मुझे आज खुशी हुई कि राजस्थान ने स्किल डेवलपमेंट में पूरे देश में सबसे अच्छा कार्य किया है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को और राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि हमारे देश में बहुत गंभीर समस्या है बेरोजगारी की, बीकॉम बीए और बीएससी पास करने वाले बहुत लोगों की संख्या है, पर हम उनको रोजगार नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे शिक्षा पद्धति में व्यवसाय विमुख तांत्रिक शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट इसको हमने प्राधान्य नहीं दिया, और इसलिए इतने इसमें अपॉर्चुनिटीज है कि मैं मुंबई में यही ताज का जो है, यहाँ एक ताज लंच सेंटर के बड़ा होटल है, उसमें एक चाइनीज रेस्टोरेंट है और उसमें एक शेफ है, उसका नाम है डेविड। तो मैं मुंबई में कभी रहता था तो मैं वेजिटेरियन हूँ, तो कभी कभी उस होटल में निश्चित जाता था, तो डेविड मुझे वेजिटेरियन चीज़ें खिलाता था। तो एक बार वो डेविड को मैंने बुलाया और मैंने पूछा, डेविड तुम कहाँ के हो? तो उसने कहा, सर मैं हांगकांग से। मैंने बोला, यहाँ आ तो कितना तनख्वाह मिलता है? सर बहुत कम मिलता है। बोले कितना है? बोले 15 लाख रुपये महीना पड़ जाता है। हाँ, खूब वे मैं शेफ की बात कर रहा हूँ। अब आप समझ लीजिए कि जर्मनी ऐसा देश है कि उसकी पूरी सिस्टम की विशेषता है कि 1% स्पेशलाइज इन 1 सब्जेक्ट। हमारे यहाँ एमएससी बॉटनी और एमएससी जूलॉजी होकर रिजर्व बैंक में नौकरी करने वालों की कमी नहीं है, जिसका कोई संबंध वहां नहीं है। और इसलिए वहां जो जर्मन जो देश है, इसके प्रोडक्ट इतनी क्वालिटी अच्छी है कि वर्ल्ड में टोटल जो कुछ टर्नओवर होता है उसमें बड़े इंडस्ट्रीज के लिए, कार ऑटोमोबाइल के लिए जर्मन ये सबसे क्वालिटी मार्केट है। ऑटोमोबाइल के जितने अच्छे ब्रांड्स हैं वो जर्मनी के हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ वन मैन स्पेशलाइज इन 1 सब्जेक्ट। 12th तक मिनिमम पढ़ाई लेने के बाद 5 साल वो स्कूटर मैकेनिक का ही ट्रेनिंग लेता है, अगर वो टेलर बनता है तो उसी का ट्रेनिंग लेता है। मैं दिल्ली में एक टेलर के पास गया था, वो कभी कभी आता है, वो लंदन में सिखा रहा है, और उसके पास मर्सिडीज गाड़ी है, और वो इतना होशियार है कपड़े सिलाने में, उसने कपड़े का भी दुकान है, टेलरिंग का दुकान है, उसको कभी किसी के पास जाना नहीं पड़ता। आप देखिए, कहीं गली में छोटा होटल होता है, वहां बैठने के लिए जगह नहीं होती, पर लोग सुबह लाइन लगाकर उस होटल में जाते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि गुड क्वालिटी डिलीवरी ऑन टाइम, जिसको हम पंक्चुअलिटी कहते हैं, एंड गुड पैकेजिंग। अब तीनों बातों के लिए अगर हम करेंगे तो बहुत बड़ा पोटेंशियल हमारे देश के लिए है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि हमारे देश की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड में बहुत कॉम्पिटिशन है। अभी चाइना में 19,000 रुपये टन स्टील मिल रहा है, हमारे रॉ मटेरियल से भी सस्ता, तो स्वाभाविक रूप से वर्ल्ड मार्केट में अगर कॉम्पीट करना है और इंडस्ट्री को बढ़ाना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को लाना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना होगा। और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना होगा, इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको अच्छा करना होगा। कभी कभी ऐसा होता है, एक दिन मैं बिहार में जा रहा था तो शाम हो गई, हेलीकॉप्टर हमारा छुट गया, तो सुशील मोदी जी और मैं कार से निकले जीप से, तो बड़े पुलिस वाले थे, गाड़ियाँ थी, उठने में एक नई मोटरसाइकिल पर एक जवान लड़का और उसकी पत्नी हमको ओवरटेक ले करके आगे गई, तो पुलिस वालों को गुस्सा आ गया, आगे कैसे निकला, उन्हें खरीद गया, मैं भी देख रहा था। तो तुरंत सुशील मोदी जी ने मुझे कहा कि देखो वो लड़का आपको देख रहा है, और वो देख रहा है कौन बैठे गाड़ी में, सुशील जी वो मुझे नहीं देख रहा है, वो देख रहा है अपने पत्नी की तरफ और बार बार हाथ लगा कर देख रहा है कि है कि गिर गई है। अब कैसे देश का विकास होगा? हमारे यहाँ जैसे जयपुर और दिल्ली रास्ते की हालत थी, तो पूना हमारे यहाँ भी जहां तक 100 वर्ष में बहुत डेवलप हुआ, पर पूना डेवलप हुआ इसका कारण
एक्सप्रेस हाईवे पर, क्योंकि पुणे से मुंबई आने के लिए 10 घंटे लगते थे और 10 घंटे लगते थे तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न था कि पुणे में जो जो लोग आते थे उनको बड़ी तकलीफ होती थी और इसके कारण पुणे की डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। और जब मुंबई और पुणे के बीच में एक्सप्रेस हाईवे निर्माण हुआ तब मैंने कहा कि मुंबई से पुणे 2 घंटे में जाएंगे, तो अखबार वालों ने एडिटोरियल लिखे कि ये क्या बात करते हैं, ये तो ही संभव हो सकता। और आज ऐसा हुआ कि जब एक्सप्रेस हाईवे बना तो मैं उसमें जब वो बन रहा था तो एक एलएनटी का पार्ट था, एक हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन का था, तो दोनों को लेकर मैं अजय गुलाबचंद करके हिंदुस्तान कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे और एलएनटी के चेयरमैन थे, और मैंने उनको कहा कि मैं तो रोड की टेस्टिंग ऐसे करूंगा कि 160 किलोमीटर पर गाड़ी जब चलेगी तब थरमास से मैं चाय निकालूंगा और कब मिलूंगा और मेरा एक बूंद भी नीचे गिर गया तो तुमको याद रखना, मैं तुमको रोक नहीं सकता। तो दोनों भी टेंशन में थे और मैं सामने बैठा था, मैंने लगाओ स्पीड, वो एक तरफ देख दूसरे की तरफ देख रहे थे। 160 किलोमीटर के स्पीड पे जब गाड़ी चलने लगी तब मैंने थर्मास निकाला और चाय किया, मेरा चाय का बिल्कुल हिला नहीं, मैं बिल्कुल आराम से पी सका। इसका कारण उसका जो ग्रेडियंट था वो इतना अच्छा था कि उससे कोई पेट का पानी नहीं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम करना है तो अच्छा करो, क्वालिटी का करो, और नहीं करना है तो नहीं करो, पर शॉर्टकट मारने के लिए नहीं मारना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट मारने से, मैं बहुत बार कहता हूँ कि शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। और इसलिए आज वसुंधरा जी ने जो प्लान बनाया हुआ है वो लॉन्ग टर्म राजस्थान के विकास का प्लान बनाया हुआ है और उसमें काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की उन्होंने कोशिश की है और इसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने मुझे निश्चित रूप से कहा है। थोड़े से मैं एक बात आप क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, ये पैसे तो आपके हैं और आप लोगों ने हमारे पार्टी को चुन कर दिया, खैर मंत्री बने, तो मैं, मेरा कोई आपको कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा ही नहीं। मैं हर बार ये सोचता हूँ कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म और उसमें हम मददगार कैसे हो सकते हैं, और इसलिए आपको मैं ताजुब बता दूँ, आप भी कभी इसका मैं आपसे चर्चा करूँगा तो आपके पास भी पैसे की कमी नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर ने हमको 42,000 करोड़ का बजट दिया है, अब मेरे डिपार्टमेंट की हालत ऐसी है कि अभी तक ये 20,000 करोड़ भी नहीं खर्च हुआ। अब मैं इनके पीछे बताऊँ जो माइंड सेटअप है ब्यूरोक्रेसी का, सबका ऐसा नहीं है, आप बैठे हुए लोग अच्छे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि खर्चा करने के भी दिल लगता, तो 42,000 करोड़ खर्चा करते करते अभी अक्टूबर महीना हुआ तो मैं अब उनको कहता हूँ पैसा खर्चा करो। तो ये कल रात मुझे एनएचआई के चेयरमैन पूछ रहे थे कि सर 70,000 करोड़ रुपए टैक्स एग्जम्पशन बॉन्ड के लिए सरकार ने अनुमति दी है तो ये पैसा रेज करता हूँ। मैंने कहा रेज करके क्या करोगे, जो है वही तो नहीं खर्चा करे, तो वो बैंक में डिपॉजिट रखना पड़ेगा, खर्चा करो। अब वो 70,000 करोड़ टैक्स एग्जम्पशन बॉन्ड है और हमारा प्रयास है कि हम लोग फॉरेन में डॉलर में अगर बॉन्ड्स लेंगे तो शायद एनएचआई के जो चेयरमैन यहाँ बैठे, हमारा ट्रिपल ए रेटिंग है और ट्रिपल ए रेटिंग के कारण हमको 5.5% इंटरेस्ट से पैसा मिल सकता है। 6 में रेलवे को मिला, हमारा रेटिंग अच्छा है, तो 5.5% में डॉलर में पैसा लेकर उसको रुपीज में कन्वर्ट करके हमको मिलेगा। तो आज बैंक का इंटरेस्ट 11% है तो 5% इंटरेस्ट की बचत हो सकती है। तो मैंने कहा ये 70,000 करोड़ हम ये खड़े कर सकते हैं, हमारा टोल का इनकम 8,000 करोड़ साल का, 15 साल के लिए इस इनकम को अगर हम सिक्योरिटाइज करें तो कोई भी बैंक हमको 1,20,000 1,25,000 करोड़ देगा, तो आज वो भी पैसा हमारे पास पड़ा है। इसके अलावा 101 प्रोजेक्ट हमने सिक्योरिटाइजेशन के लिए निकाले हैं जो फॉरेन फंड्स और इंश्योरेंस फंड को ऑफर कर रहे हैं जिससे हमको 1,20,000 करोड़। अब मेरा वसुंधरा की प्रॉब्लम ये है कि पैसे है पर खर्चे नहीं होते और इसलिए मैंने नाराज होकर अंतिम अधिकारी को कहा कि काम करोगे तो ब्याज
इसका कारण ऐसा है। हटाओ। I like people who can get the things done। मैंने अपने यहाँ लिख के रखा एक बात, मैंने कभी निराश होकर कहा नहीं। I like dishonest people who can take the wrong decisions, but I dislike honest people who don't want to take the decisions। मराठी में हमारे यहाँ महाराष्ट्र भी कर तो भी भक्त तो भी पाप हो भी तपास हो भक्त हो ये काय का तपास में क्या करना है, अरे करना है तो करो, हाँ तुम नहीं करना तुम नहीं करो, हटो एक ब्रीफ में विषय खत्म करो। सो कहीं ना कहीं सिस्टम नीड्स ट्रांसपेरेंसी, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टीम वर्क एंड द विजन। और मुझे लगता है कि राजस्थान में ये सभी बातें इकट्ठा हुई है। और इसलिए मनी पैसा ये प्रॉब्लम नहीं है, रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मानसिकता का है, माइंड सेटअप का है। और मैं आपके साथ अगर जब आराम से बैठूंगा, अब आपका 80,000 करोड़ का कर्जा है, उसका इंटरेस्ट होगा 11%। अब मैं जापान के प्रधानमंत्री से मिला और मुझे 27 तारीख को प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजर मिल गए और उन्होंने मुझे कहा कि 2 लाख करोड़ में आपको 0.5% इंटरेस्ट से देता हूँ। वो 0.5% पॉइंट फाइव है, पर वो एम है, उसका एम ही बहुत बहुत सेंसिटिव करेंसी है, तो उसमें हेजिंग करना पड़ता है। तो मैंने उनको कहा कि कैप लगाओ और ये पैसा दो, अगर मुझे वो तो उन्होंने कहा मैंने मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो बोले क्या चाहिए, मैंने बोला क्रेडिट लाइन चाहिए, आप और मैं जॉइंट वेंचर करेंगे और मैं इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉर्पोरेशन तैयार करता हूँ, आप मुझे क्रेडिट लाइन दे दो और एक बार अच्छा अनुभव आएगा तो क्रेडिट लाइन एक्सटेंड करते जाओ ताकि 5 लाख 10 लाख करोड़ तक जाएगा। अब आपका 80,000 करोड़ का कर्जा का 11% का है और 12.5 और मैंने तुरंत 6% में आपको 80,000 करोड़ रुपये कर दिए, तो आपका 6% में कितना बचत हो, आपका पैसा बचता है। जैसे आप भी ये काम कर सकती है, हमारा एक जेल पुटी करके पोर्ट है, हमारे सब पोर्ट को इस बार प्रॉफिट हुआ, सब कॉर्पोरेशन प्रॉफिट में, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक सम्मेलन में सबको कहा कि मार्च में प्रॉफिट बताओ नहीं तो अपने ट्रांसफर की व्यवस्था करो, घर में सब प्रॉफिट में आ गए, मेरा प्रॉफिट 6,000 करोड़ रुपये हुए, 6,000 करोड़ और 6,000 करोड़ प्रॉफिट है। कल हमारे प्रधानमंत्री जी 4-5 दिन पहले मुंबई आए थे तो उन्होंने JNPT के 4th कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया 8,000 करोड़ का, तो प्रॉफिट में है। अब वो JNPT का चेयरमैन इनकम टैक्स कमीशन, वहाँ हम लोग 8 लेन का रोड बना रहे थे, अब 8 लेन का रोड बना रहे थे तो मैंने उनको कहा कि ये 8 लेन के रोड के लिए क्या करोगे, तो हमने ICICI बैंक से कर्जा निकाला है, क्या गाँव से 12%। मैंने क्यों 12% से निकला, आपको डॉलर में हर साल 600 करोड़ रुपए डॉलर में इनकम होता है, आप डॉलर में कर्जा निकालो डॉलर में वापस करो, बोले मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। मैंने तुरंत फोन करके ICICI बैंक के चेयरमैन चंदा कोचर को फोन किया और मैंने उनको कहा कि आपने जो 4,000 करोड़ कर्जा दिया है आप वो डॉलर में नहीं दे सकते, बोले मैं तैयार हूँ, मैं इंटरेस्ट रेट क्या लूँ, तो उनने कहा लेबर प्लस 3%। मैंने कहा लेबर प्लस 3% काय का लगाया 3%, बोले आप कितना देंगे, बोले 0.50%, ओके सर। तो मुझे 3.25% से डॉलर में कर्जा मिला, तो 12% का 3.25% मैंने कितना हो गए। अब आप अभी हमारे पोर्ट में हमारा करीब 4,000 करोड़ रुपए इनकम डॉलर में, और हम डॉलर के इनकम में जैसे मैं आपके इंग्लैंड ऑटोरेज बना रहा हूँ तो मैं 3% के बैस में डॉलर में कर्जा लेकर वो पैसा लाऊंगा तो मैं 3% के बैस से वो करूंगा और मैं डॉलर में वापस कर सकता हूँ, इसमें हेजिंग करने की आवश्यकता नहीं। आपके यहाँ के जो टूरिस्ट आते हैं ये होटल में रोज फॉरेनर में दिखेंगे, आप इनका बुकिंग सब डॉलर में करिए और डॉलर में करके अगर आपको हर साल 200-300-400 करोड़ डॉलर में मिलते हैं तो डॉलर में आप 10 साल के लिए 5,000 करोड़-6,000 करोड़ डॉलर में कर्जा दीजिए तो आपका इंटरेस्ट सिर्फ 3.5% होगा, तो 12% लेने की जरूरत नहीं होगी। ऐसी छोटी छोटी बातें जो है वो सरकार मुझे पता नहीं, मैं जो कह रहा हूँ आप या फॉरेनर्स आते हैं वो डॉलर ही देते हैं, तो कहीं ना कहीं पैसे की आवश्यकता, पैसे की जो है उपलब्धता बहुत है और टेक्नोलॉजी की भी है। और इसलिए आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आपने मुझे बताया तो मैं तो आज मुझे पता नहीं था, आप चिंता मत करिए, जो पूरी तरह से हम लोग आपको 2 साल में
आज एनएचआई का खराब हुआ, एनएचआई हमारा एक पार्ट है। अभी इसके अलावा मिनिस्ट्री में और बाकी जगह पर हम लोग हैं, और आज आपने जितने काम बताए उसके टोटल करके हम किसी भी स्थिति में आपके इस राजस्थान के विकास कार्यक्रम में हम 50,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी आज मैंने ये लगभग 24,000 करोड़ के 5,000 किलोमीटर का हमने ऑलरेडी काम प्रोसेस में है। 71 परियोजनाएं शुरू है, नए 700 किलोमीटर के राजमार्ग मैंने पहले जाहिर कर किए हैं, उस पर 1,000 करोड़ रुपए खर्चा होंगे। भारतमाला 1,500 किलोमीटर है, उसके ऊपर भी 8 से 10,000 करोड़ रुपए होंगे। आज आपने मेरे से जो जाहिर करवाया उसकी भी लिस्ट है, मैं कोई दोहरा करने के लिए, तो यही 40,000 रुपये। आप जाते जाते ये फिर अपने मंत्री जी पूछे रहे कि कब आओ दिल्ली, तो मैं 50,000 करोड़ रुपये पक्का कर। और ये मेरे लिए अच्छा है कि मैं जहाँ भी प्रदेश में जाता हूँ मुख्यमंत्री यही कहता है कि ये सबसे ज्यादा हमको पैसे देते। केरल के मुख्यमंत्री जो परसों में गया था तो उन्होंने कहा कि केरल की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान गडकरी जी का है, तो मैं अच्छी बात है जिसको लगता है कि वो मेरे तरफ। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। 3-4 बातें जो है जिसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। एक चित्तौड़ में हम देश का पहला बेस एड कम्युनिटीज बना रहे हैं जिसको हाईवे विलेज कहते हैं, और ये राजस्थान में पहला बना, ये रोड साइड में है। हाँ, पहला प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसे तो 1200 प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं नहीं देश में, पहले 7 प्रोजेक्ट शुरू हुए उसमें पहला प्रोजेक्ट हम राजस्थान में करे, जगह हमारे पास है। और एक हाईवे प्रोजेक्ट पर कम से कम 300 युवाओं को रोजगार मिले, रेस्टोरेंट होंगे, होटल्स होंगे, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का पवेलियन होगा, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का छोटा बाजार होगा जहाँ आपके गाँव के लोग बेच सकते हैं, पेट्रोल पंप होगा, इंटरटेनमेंट के लिए कुछ बातें होंगी, ट्रक ड्राइवर के लिए धावा होगा, और बाहर के भी लोग लैंडस्केपिंग होगा, सुंदर होगा, उसके डिजाइन बहुत सुंदर है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज देश की ये जरूरत है, और मैंने उनको कहा कि जितने टॉयलेट हो गए उससे आप गैस तैयार करो। अब आप कहेंगे पर मैं ये मेरा ऐसे माइंड चलते रहता है, एक बार नागपुर में 4 साल पहले मैंने कहा था कि टॉयलेट का पानी हम बचेंगे, तो हमारे कमिश्नर और मेयर मेरे ऊपर हंसने लगे, उन्होंने दोस्तों में तुम फंडे लाते हो पिंपल बोलते हो, मेयर मुझे कहने लगे। तो वो मैंने कहा देखो मेरा विश्वास है कि हम टॉयलेट का पानी बेच सकते हैं, और आपको ताज्जुब होगा वसुंधरा जी, हमने 18 करोड़ रुपए में टॉयलेट का पानी महाराष्ट्र सरकार को बेच दिया। तो 18 करोड़ रुपए हर साल आ रहा, 10% बढ़ोतरी होती है। अब ये 18 करोड़ में रिसाइकलिंग करके वो पावर जनरेशन के लिए यूज कर, अब जयपुर म्यूनिसिपल कार्बन का आप भी बेच सकते हैं, उदयपुर का, जयपुर का, जयपुर का, तो पानी रिसाइकलिंग करके उसका यूज। अब मैं आज आपको बस आपने भेजी स्कैनिंग की, तो मैं गया था स्टॉकहोम स्वीडन, इनकी फैक्ट्री देखते हैं, तो इनके चेयरमैन मेरे अच्छे मित्र हैं, तो मैं इथेनॉल, बायोडीजल और बायो सीएनजी पर देश के ट्रांसपोर्ट को डाइवर्ट करना चाहता हूँ ताकि पोल्यूशन से देश को मुक्ति मिले। तो हमारे इथेनॉल पर 100% एक बस चलाते हैं, तो वहाँ स्टॉकहोम के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मुझे बताया कि ये तो गंदे पानी से बायो सीएनजी निकालते हैं, तो मैं गया हूँ देखने के लिए, तो कचरे से और टॉयलेट के पानी से वो बायो सीएनजी निकालते हैं, उसे CO2 अलग करते हैं और 100 बसें उसके ऊपर चलती है। तो मैंने आकर हमारे मेयर को कहा गलती हो गई, अरे अपन ने पानी भेज दिया, कॉन्ट्रैक्ट देखो क्या हुआ। बोले क्या हुआ, मैंने उसको गैस कहाँ गया, मतलब कुछ दिखा नहीं, मतलब गैस अपना है। तो अभी हम लोग नागपुर में उससे गैस निकालकर 70 बसें हमारी वो बायो सीएनजी पर चल रही, जिसमें 95% इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रोल है। तो ये टू सेव मनी स्टोर मनी, यानी कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये विजन है। और ज्ञान विज्ञान और तंत्र विज्ञान, नॉलेज इज ए पावर एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ। मैं आज बता रहा था कि हम लोग धौला कुआं से मानेसर तक ये जो रोड है आपका दिल्ली जयपुर, इसके बाद साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री रघु वसुंधरा राजे साहिब आपको भी स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे, सार्वजनिक निर्माण
एवं परिवहन मंत्री राजस्थान सरकार। और इनके पश्चात माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री महोदय को भी स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। श्री बीबी गुप्ता साहब से आग्रह कर रहा हूं कि आप मुख्य सचिव महोदय अध्यक्ष स्मृति चिन्ह भेंट करें और मुख्य अभियंता सड़क परिवहन एवं राजमार्ग को भी स्मृति चिन्ह भेंट करें और अंत में श्री शिव लहरी शर्मा मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। मुख्य अभियंता सड़क परिवहन राजमार्ग को भी स्मृति चिन्ह। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री महोदया